नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्या समय यात्रा संभव है, टाइम ट्रेवल, क्या टाइम ट्रेवल किया जा सकता है या नहीं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस इस पर देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, वो सब भी देखी होंगी। तो आज हम इसकी प्रायोगिकता कैसे ये इम्पोर्टेंट है इस पर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं टिप्स बाय ललित चैनल, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं खबर अच्छी लगे तो। तो आज डिस्कस करते हैं समय यात्रा क्या है और समय यात्रा कैसे होती है, क्या ये संभव है या नहीं। एच जी वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन में जो हीरो है, जो टाइम मशीन मूवी आपने देखी हो, हीरो है वो एक चेयर पर बैठता है जिस पर कुछ जलते और बुझते बल्ब लगे होते हैं और कुछ डायल होते हैं। नायक जो हीरो है वो डायल को सेट करता है, कुछ बटन दबाता है और अपने आप को भविष्य के हजारों साल बीतने के बाद भविष्य में बहुत आगे अपने आप को पाता है। उस समय तो दिखाया जाता है कि इंग्लैंड पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर मलाई और अलोई नाम के प्राणियों का निवास होता है। यह विज्ञान फटासी एक महान कथा पर आधारित था, पर वैज्ञानिकों ने समय धारणा जो टाइम ट्रेवल है इसकी इस पर कभी विश्वास नहीं किया था। उनका मानना था कि ये जो है ये टाइम ट्रेवल ये फालतू लोगों का या ऐसे बेकार लोगों की कल्पना है और ऐसा माने जाने के पीछे उनके ठोस कारण भी थे। लेकिन जब से क्वांटम ग्रेविटी आई है, जब से इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। क्वांटम ग्रेविटी के बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो आप एक बार देखते रहिएगा। तो मैं क्वांटम ग्रेविटी को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। समय यात्रा की अवधारणा में सबसे बड़ा रोड़ा है इसकी पहेलियाँ जो कि विरोधाभास है। कि वो विरोधाभास क्या है, पहले एक दो विरोधाभास देख लेते हैं जो आपको सही तरीके से समझाएगा कि टाइम ट्रेवल करना क्यों आसान, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना माता पिता के तो पैदा नहीं हो सकता। हम मान लेते हैं एक लड़का टाइम ट्रेवल की वजह से अपने भूतकाल में जाए, अपने पास्ट में जाए और वहाँ जाकर अपने माता पिता की हत्या कर दे, किसी भी तरह अपने माता पिता को मार दे, अपने जन्म से पहले के टाइम में जाकर अपने माता पिता को मार दे। तो जब माता पिता मर चुके हैं तो वह व्यक्ति कहाँ से आया, उसका क्या अस्तित्व है। ये इस तरह के विरोधाभास हैं जिस वजह से इस तरह की जो समय यात्रा की जो कल्पना है वो कहीं ना कहीं असंभव माना जाता है। न्यूटन जी ने समय को एक बाण की तरह से बताया था, जिसे एक बार छोड़ दिया तो सीधी रेखा में ही चलता जाएगा। पृथ्वी पर एक सेकंड मंगल के भी एक सेकंड के बराबर होता है। पहले ये एक थ्योरी दी जाती थी कि ब्रह्मांड में फैली हुई जितनी भी घड़ियाँ हैं वो सब एक गति से चलती हैं, पर आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक हैं, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक थ्योरी हम लोगों के सामने रखी कि ये जो टाइम है ये एक नदी में जैसे पानी का बहाव होता है उस तरीके से चलता है। यानी कि कहीं पर तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, अलग अलग पिंडों पर अलग अलग समय हो सकता है। जैसे पृथ्वी का एक सेकंड मंगल के एक सेकंड के बराबर हो ये कोई फिक्स नहीं है। ब्रह्मांड में फैली हुई जो घड़ियाँ हैं वो अपनी अपनी गति से चलती हैं। आइंस्टीन की मृत्यु से पहले ही उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा था। तो आइंस्टीन ने और उनके पड़ोसी थे, उन लोगों ने कभी जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला, मैथ का एक ऐसा फॉर्मूला बताया जिससे समय यात्रा संभव थी। समय के इस नदी के प्रभाव में कुछ अंतर भी आए और उन्होंने एक धारणा बताई कि जो ब्रह्मांड है हमारा वो एक गोल सर्किल में है और उसमें पानी भरा हुआ है। यानी कि हमारा कोई भी अगर एक मनुष्य उस पानी के बहाव के साथ साथ चलता है तो एक टाइम ट्रेवल में ऑटोमेटिक एक जगह पहुंच जाएगा, जो स्टार्टिंग टाइम है वो ऑटोमेटिक वहीं पर आ जाएगा, यानी जो पास्ट है वो हम पास्ट में पहुंच जाएगा। लेकिन ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इस थ्योरी में नई चीज़ जुड़ती गई, वो ये थी कि जो ब्रह्मांड है वो एक सर्किल की तरह नहीं है, ये तो एक विस्तृत होता रहता है, ये महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी, इस पर भी मेरा वीडियो आने वाला है।
बिग बॉन्ग थ्योरी के हिसाब से वो स्प्रेड हो रहा है, वो फैलता जा रहा है, यानी कि हम लोग वापस घूम के वहीं नहीं पहुंचेंगे, हमें भविष्य में सीधे आगे की ओर जाना होगा, तभी हम आगे कहीं पहुंच पाएंगे। 1963 में न्यूजीलैंड के एक गणितज्ञ वैज्ञानिक थे राय केकर ने, उन्होंने गोलते हुए ब्लैक होल के लिए आइंस्टीन के समीकरण जो थे उनका समर्थन किया था। उनके अनुसार जो घूमता हुआ ब्लैक होल है एक बिंदु के रूप में संकुचित न होकर न्यूट्रॉन के घूमते हुए ब्लैक के रूप में होगा। इस ब्लैक इतनी तेजी से घूमा सेंट्रल फोर्स जो है उसे हिलने नहीं देगा। इसे कुछ इस सरल भाषा में इस तरीके से समझ लेते हैं कि यह अंतरिक्ष सुराखों का नहीं कि अंतरिक्ष को दो स्थानों से जोड़ता है बल्कि दो समय क्षेत्रों को भी जोड़ता है। तकनीकी रूप से इन समय क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में क्वांटम में सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत उसको जोड़ने के जो प्रयास हुए हैं, ऊपर दिए हुए विरोधाभासों के बारे में भी जानकारी दी गई है। क्वांटम भौतिकी में किसी भी वस्तु की एक ज्यादा अवस्थाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक समय में एक से ज्यादा कक्षाओं में भी हो सकता है। इसी तत्व में हमारे सारे रासायनिक सिद्धांत भी इसी तत्व में जुड़े हुए हैं। तो क्वांटम भौतिकी में इस तरीके की बहुत सारी अवधारणाएं आपको मिल जाएंगी, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी है, वहां आप जाके इसको सुनेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये टॉपिक और जल्दी क्लियर होगा। अब एक लॉजिक आता है क्वांटम भौतिकी में, बता रहा हूँ आपको, यदि हम भूतकाल में जाकर महात्मा गांधी को बचा लेते हैं तब हम किसी और भूतकाल में बचा रहे होंगे। महात्मा गांधी हमारे हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें तो मर ही चुके होंगे, एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ महात्मा गांधी जी की हत्या नहीं हुई होगी। दूसरा हमारा मौलिक ब्रह्मांड होगा जहाँ पे कि गांधी जी की हत्या हो गई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम एच जी वेल्स के समय यान में प्रवेश कर समय यात्रा कर रहे हैं, अभी भी कई रोड़े हैं। ऐसा टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के पीछे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस तरह की कार बनाने के लिए पेट्रोल जो डाला जाता है उसके लिए पेट्रोल की जरूरत न होगी, हमें नेगेटिव पदार्थ चाहिए, नेगेटिव एनर्जी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी होगी जिससे कि गुरुत्वाकर्षण हमें कैद न कर पाए और हम जहाँ जाना चाहें गुरुत्वाकर्षण के बिना हम और आगे जा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जी पैदा अभी तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नेगेटिव एनर्जी पैदा करने के लिए नेगेटिव जो एक पदार्थ होता है जिससे नेगेटिव एनर्जी बनाई जाएगी वो पदार्थ ही हमें आज तक नहीं मिला है। मान लो कुछ और शताब्दियों तक हम लोग ऐसा अगर ऋणात्मक कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं ढूंढ पाए, नेगेटिव वस्तु नहीं ढूंढ पाए, तब तक हम नेगेटिव एनर्जी नहीं यूज कर पाएंगे। और याद रखिए नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हमें चाहिए होगी कि जितना कि पूरा एक ग्रह की एनर्जी होती है, पूरी पूरी इतनी एक ग्रह की एनर्जी के बराबर हमें नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। मज़ेदार बात यह है, स्टीफन हॉकिंस जिनके आप काफ़ी सारे वीडियो देख चुके हैं, समय यात्रा का काफ़ी विरोध किया था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि आज तक कोई टाइम ट्रेवलर वापस क्यों नहीं आया, कोई हमसे मिलने क्यों नहीं आया, इसका मतलब है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। तो बाद में काफ़ी रिसर्च के बाद स्टीफन हॉकिंस ने भी मान लिया था कि टाइम ट्रेवल की जो थ्योरी है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे पास से। अच्छा, एक टॉपिक और आता है, हमारे पास से भविष्य से यात्री क्यों नहीं आते। इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भविष्य के यात्री इसलिए वो हमारे पास नहीं आते क्योंकि उनकी सभ्यता काफ़ी उन्नत हो चुकी होगी, तभी तो वो टाइम ट्रेवल करने में आसान है, सक्षम है टाइम ट्रेवल करने में। आप याद रखिए कि उनके लिए हम एक चींटी की सभ्यता के बराबर हैं। क्या आप आज चींटी को कोई पढ़ाने के बारे में सोच सकता है कि हम चींटी को साक्षर करेंगे? चींटियों को कोई साक्षर नहीं करेगा। हो आप में से कुछ लोग शायद आपके दोस्त उन्हें चींटियों को पैरों के नीचे दबा के मार देने में भरोसा रखेंगे। तो दोस्तों यही है टाइम ट्रेवल की, जो उन्नत हो चुके होंगे वो नहीं आएंगे हमारे पास। दोस्तों इस बारे में एक किस्सा है जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से आता है। एक बार श्री कृष्ण को किसी काम की वजह से इंद्र, भगवान इंद्र के पास जाना पड़ा, तो उन्होंने बाप की अपनी सारी गाय और अपने सारे ग्वाल बालों को लेके वापस इंद्र के पास जाना पड़ा, किसी चीज़ को बहस करने के लिए, कई टॉपिक की बहस करने के लिए उन्हें जाना पड़ा। तो दोस्तों उनका जाना एक दिन का था, यानी वो सुबह अपने ग्वाल बाल और गाय
को लेकर इंद्र के सभा में गए और शाम तक वापस आ गए। लेकिन ये पूरा वाक्या उनका एक दिन जो जाने का था, ये पूरा वाक्या पृथ्वी पर एक साल का ड्यूरेशन था। इस पूरे ड्यूरेशन में एक साल निकल गया। तो इस बीच में उन्होंने अपने पीछे, जब श्री कृष्ण भगवान गए तो उन्हें इस बात का एहसास था कि हम एक दिन में तो यात्रा अपनी करके आ जाएंगे पर पृथ्वी पर पूरा एक साल निकल जाएगा। इसलिए वो अपने पीछे छोड़ गए थे, अपने जैसे प्रतिरूप बनाकर छोड़ गए थे, अपनी जैसी कृष्ण ग्वाल बाल और गाय बनाकर छोड़ गए थे प्रतिरूप। उन लोगों ने एक साल तक सेम प्रोसीजर फॉलो किया जैसे श्री कृष्ण भगवान चाहते जाया करते थे अपने घर पर या गाय वगैरह, उन्होंने सेम वही प्रोसीजर कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये कथा है जो महाभारत में क्लियर लिखी हुई है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि टाइम ट्रेवल की थ्योरी हमारे उस जमाने में भी, हमारे जो शास्त्र हैं वो इतने प्राचीन हैं, कम से कम 3000 साल पुराने हैं, उनमें भी टाइम ट्रेवल की थ्योरी के बारे में अच्छी तरह बताया है और बताया किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण उस टाइम ट्रेवल की थ्योरी को यूज करते थे। तो दोस्तों कल कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि वह भविष्य से आया है और आपके पोते के पोते का पोता है तो चौंकिए मत, दरवाजा खोलिए। बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।